अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहसनसईद, दैट्स माय न्यू ब्लॉग। तो भैया आज का सीन कुछ ये है कि हम जा रहे हैं खावर भाई के पास, और खावर भाई कौन है मैं उनसे मिलवाऊंगा वहाँ जाकर। और थोड़ा गेमिंग सीन है, सीन कुछ ऐसे हैं कि आपको दिखाएंगे वहाँ जाकर, और फिर चलते हैं खावर भाई के पास। ठीक है जी, लॉकडाउन था तो घर बैठे बैठे बोर हो गए और सोचा कि बाहर चले जाएँ, तो खावर भाई की कॉल भी आई थी सैटरडे संडे भी, तो मैं जा नहीं सका। मैंने कहा मैं आऊँगा इंशाल्लाह, तो मैं आज मंडे है तो मैं आज जा रहा हूँ, आप उनके पास चलते हैं, फिर आगे देखें सीन क्या होता है, फिर वहाँ की गेम्स होंगी भैया, सीन्स होंगे वहाँ के, तो फिर वहाँ चलते हैं। ठीक है जी, मैं खावर भाई के पास आ चुका हूँ और चलते हैं उनके रूम में, वो क्या कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम खावर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और सुनाए भाई, गेमिंग चल रही है फिर? जी बहुत जोरों से। अच्छा चले, अभी हम बैठ के बात करते हैं खावर भाई से कि खावर भाई कौन सी गेम खेल रहे हैं और क्या सीन है। ठीक है, अच्छा जी, तो खावर भाई हमारे साथ हैं और खावर भाई से पूछते हैं कि उनका गेमिंग के हिसाब से कैसा एक्सपीरियंस है और उन्हें कब से शौक है, गेमिंग का इंटरेस्ट कब से उनका बढ़ा? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए गेम करते हुए, और 2009-2010 से मैं कर रहा हूँ गेमिंग। तो खावर भाई प्रोफेशनली गेमिंग कब से स्टार्ट किया? प्रोफेशनली तो गेमिंग मैंने नहीं स्टार्ट की, लेकिन मेरा अपना शौक है, मैं अपने शौक के लिए गेम करता हूँ। शूटिंग गेम्स, एडवेंचर, एक्शन गेम्स, रेसिंग गेम्स मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, और एक सवाल और आपसे करूँगा कि ये जो आपका पीसी है जो अभी इस वक्त हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो इसको बिल्ड करने का और इसकी रिक्वायरमेंट आपका कैसे प्लान बना कि मुझे ये चीज़ लगानी चाहिए और मेरे लिए सूटेबल होगी, आने वाली अपग्रेड गेम्स जो हैं मैं खेल सकूँ, लेटेस्ट गेम्स जैसे होती हैं? ये डिपेंड करता है गेम्स के ऊपर ज़्यादातर, और फिर आपकी रेंज है, वरना अगर आप गेमिंग सही तरीके से करना चाहते हैं कम से कम आपके पास i5 हो और ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा हो, पावर सप्लाई आपके पास हैवी हो, इस तरीके से जिस तरह के गेम्स हैं हैवी गेम्स हैं उस हिसाब से जो है उनकी रिक्वायरमेंट। तो आपका मतलब कितने टाइम में, आपको कितना टाइम लगा कि पीसी आप अब अपना बिल्ड कर लेंगे? और आप माशाल्लाह खुद बिल्ड करते हैं और आपने काफ़ी वो करके भी दी, तो आपका एक्सपीरियंस है कि ये किसी किसी के पास होता है कि यार वो ये चीज़ कर पाता है, वरना बहुत ईजी काम नहीं है कि बंदा आराम से नहीं कर सकता। तो आपने अपने पीसी का क्या प्लानिंग की थी कि भाई मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं इसमें कार्ड कौन सा लगा रहा हूँ, रेंज वगैरह लगाई है वो कितनी जीबीज में, और आपके प्रोसेसर वगैरह जो है वो? सबसे पहले तो मेरे पास था i3 जी, और फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि गेम्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिस जिस तरीके से गेमिंग एडवांस होती गई मैंने अपना पीसी अपग्रेड किया। इस टाइम मेरे पास जो पीसी है वो है कोर i7 6700K, और मेरे पास 16 GB रैम है, 1060 GB SS का ग्राफिक कार्ड है और 750 वाट मेरे पास पावर सप्लाई है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और इनका यही मैं कहूँगा कि मैं इनके पीसी का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन हूँ और मैं भी थोड़ा बहुत गेमिंग से रिलेटेड हूँ, क्यों खा हुआ है आपको भी पता होगा, और मुझे भी थोड़ा बहुत जुनून है। तो मेरा ज़्यादातर ये काम होता है कि मैं वीडियो के हिसाब से मुझे थोड़ा भी पीसी अपग्रेड करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम हो रहा है ग्राफिक्स के हवाले से। तो इन्होंने मुझे जब अपना पीसी दिखाया तो कि भाई ये चीज़ सेलेक्ट करो, तो मैं सच में फ़ैन हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह आपको ऐसे ही रखे हमेशा। तो भाई अभी मैं इनके पीसी में थोड़ी गेम्स वगैरह खेलूँगा, क्योंकि भाई का दिल तो करता है ना यार। अभी फिर मिलते हैं, ठीक है, आगे सिनेमैटिक शॉर्ट्स में। अच्छा जी, तो खावर भाई इस वक्त गेम खेल रहे हैं और खावर भाई से पूछना, खावर भाई कौन सी गेम है ये? फोर्ज़ा होराइज़न 4 इस टाइम हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, और आप भी बेशक ट्राई करना भाई। बिल्कुल, मुझे तो मैं क्या बताऊँ, मेरी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं जुनून चढ़ा हुआ है, मैं बोला मैं भी खेलूँ।
तो अभी आपका भाई खेलेगा गेम और क्योंकि खावर भाई के पास अलग अलग गेम्स हैं, खावर भाई कौन कौन सी गेम्स अभी आपके पीसी में है फिलहाल? मेरे पास नीड फॉर स्पीड हीट पड़ा हुआ है इस टाइम। अच्छा। और फोर्ज़ा होराइज़न 4 है फिल वक्त मेरे पास, ये दो रेसिंग गेम्स हैं। अच्छा। और बाकी कुछ मैंने डाउनलोडिंग पे भी लगाए हैं। चलो डाउनलोड हो रही है, फिर नेक्स्ट टाइम हम जरूर खेलेंगे। जरूर। ठीक है ना, तो भाई अभी आपका भाई खेलता है गेम और फिर सिनेमैटिक्स में देखते हैं। ठीक है, तो भाई आपके भाई ने एंजॉय भी बहुत किया और गेम्स भी खेली, बहुत मज़ा आया और सच पूछो तो दिल की बात बोलूँ कि बहुत मज़ा आया। तो अब खावर भाई से फिर लेते हैं इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। क्यों खावर भाई? इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी, बिल्कुल। खावर भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आपके साथ। और एक जाहिर सी बात है, बंदा मिलता है तो एक अच्छा टाइम गुजर जाता है साथ में। 20-22 दिन के बाद हम लोग मिले लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंजॉयमेंट हुई हमारी। तो यही होता है कि एक टाइम अच्छा स्पेंड हो जाए एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत मज़ा भी आया। स्पेशली खावर भाई थैंक यू, गेम्स भी खेली और टाइम भी अच्छा स्पेंड हुआ एक एक। तो भाई आपके भाई को हो गया मज़ा, तो फिर खावर भाई फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे भाई लोगों को? सब्सक्राइब करें नहीं करें? बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना यार, खावर भाई ने बोल दिया कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये मैंने बोला है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो अब आप बोलोगे कि वापस उसी जगह पे आ गया, तो यार वापस इसलिए आया कि अपने घर आ चुका हूँ और मैं गया था तकरीबन 1:45 उनके पास और 5 मैं अपने घर आया हूँ। बहुत अच्छा टाइम रहा खावर भाई, स्पेशली थैंक यू सो मच, और आपके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ, इनफैक्ट गेम्स भी खेली जो मेरा ड्रीम था और बहुत मज़ा आया। तो यार फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को और जितना हो सके सपोर्ट करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड